नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एस्टेब्लिश किए जाते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, तो ये सारे प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। और इनकी क्या स्थिति है, कितना एरिया एट ग्लोबल लेवल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके तहत हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी बनाया हुआ है। तो उस कन्वेंशन के मुताबिक कितना एरिया होना चाहिए दैट इन आवर कंट्री एंड वेदर वी आर फुलफिलिंग दैट टारगेट, तो ऑल दी थिंग विल बी डिस्कस्ड। तो दिस करंट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कैंडिडेट्स अपियरिंग इन वेरियस एग्जाम्स ऑफ UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्पेशली एसेज इन एनवायरमेंटल फील्ड्स एंड फॉर अदर एग्जाम। तो फर्स्ट वी कम टू प्रोटेक्टेड एरिया डेफिनेशन। तो इन शॉर्ट फॉर्म, प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स एनी एरिया एज ए पॉलिसी मैटर सेट असाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर्पज। ये तो एक बहुत अच्छा है, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोलें तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। एंड प्रॉपर फॉर्म में IUCN की डेफिनेशन है 2008 की, विद IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN क्या कहता है, ये मोटा मोटा ये भी वही बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया इज ए क्लियरली डिफाइंड ज्योग्राफिकल स्पेस रिकॉग्नाइज्ड, डेडिकेटेड एंड मैनेज थ्रू लीगल और अदर अफेक्टिव मीन्स। अब इसमें भी लीगल आ गया, तो इन आवर केस लीगली इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड विद मेनली टू ऑब्जेक्टिव आर देयर टू फुलफिल। नंबर वन, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज टू बी देयर विद एसोसिएटेड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज उनके लिए जो लोकल लोग वहाँ पर रहते हैं उसे प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास, और इकोसिस्टम सर्विसेज तो वो जनरेट होंगी ही वहाँ पर। तो ऑल दिस कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो एज आई मेंशन्ड, दिस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, नेचर रिजर्व, ऑल दिस आर मेनली प्रोटेक्टेड एरियाज एंड दे आर बेसिकली कॉर्नर स्टोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमें आगे बढ़ना है तो प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाना पड़ेगा और एनरिच करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ये लोकल लोगों की लोकल इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान है प्रोटेक्टेड एरियाज का। नॉट ओनली कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू लोकल पीपल्स लाइवलीहुड। और ये आजकल के ज़माने की बात करें, वर्ल्ड की एट ग्लोबल लेवल लॉट ऑफ चैलेंजेज आर देयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। अब एक और सिक्योरिटी जुड़ गई है, एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया क्राइसिस, रशिया वार। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम भी ऐड हो गई है। तो इन सब के लिए ये प्रोटेक्टेड एरियाज एज फार एज दिस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड और वाटर सिक्योरिटी का जहाँ तक मामला है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो लेट अस व्यू व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एट ग्लोबल लेवल। तो अकॉर्डिंग टू IUCN एंड WCMC, WCMC होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है। तो WCMC के हिसाब से
देर आर मोर देन 2 लाख प्रोटेक्टेड एरियाज एट ग्लोबल लेवल, एट वर्ल्ड लेवल, एंड विच कवर अबाउट 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और रफली 14.7% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया. बट दिस 14.7% इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ 17% विच वॉज सेट फॉर 2020 बाई सी बी डी. सी बी डी मीन्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंडर आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट. उसमें टारगेट नंबर 11 में ये साफ साफ बोला हुआ है कि आपको 17% एरिया जो है वर्ल्ड लेवल में लैंड एरिया दैट हैज टू बी रिजर्व फॉर प्रोटेक्टेड एरिया. तो अभी भी वर्ल्ड लेवल में भी हम इसको टारगेट को पूरा नहीं कर पाए हैं. 2020 तो चला भी गया. अब देखते हैं कि कौन से कंटिनेंट में ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. तो कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन, जहाँ वेस्ट इंडीज वगैरह आता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. दे कवर रफली 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इस 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से आधा, तो 2.47 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो ब्राज़ील में ही है. ब्राज़ील विच इज़ वेरी फेमस फॉर अमेज़न रेन फॉरेस्ट और यहाँ पे मैक्सिमम टेरिस्टोरियल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. और मिडल ईस्ट रीजन जो है, जो आपका मोस्टली अरब कंट्रीज, दे हैव गॉट लोएस्ट पोर्शन अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कवरिंग रफली ओनली 33% एंड अबाउट 1.19 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया. अब आते हैं इंडिया पे. इंडिया की स्टेटस एज ऑन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 को क्या स्टेटस थी. वी हैव 106 नेशनल पार्क, 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 218 कम्युनिटी रिजर्व एंड 99 कंजर्वेशन रिजर्व. तो दीज आर प्रोटेक्टेड एरिया, दीज आर दी कैटेगरीज विच आर विच वी कैन से दे आर अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. तो टोटल ये बनता है 987 प्रोटेक्टेड एरिया कवरिंग रफली 1,73,053 स्क्वायर किलोमीटर और ये बनता है आपके सारे देश का लगभग 5% एरिया. तो इट मीन्स वर्ल्ड लेवल से भी हम बहुत पीछे हैं. वर्ल्ड लेवल पे मैंने बताया था 14.7% और हमारा है 5% एरिया और जोग्राफिकल एरिया ऑफ दी कंट्री अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. तो आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है 17%, उससे तो हम बहुत और ज़्यादा पीछे हो गए. और ऑल दीज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, दे आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Detailed procedure is there, different detailed sections have been mentioned in this act, how these protected areas are created and established. Ab biodiversity conservation ki main, because these protected areas they are nothing but cornerstone of biodiversity. So these mote taur pe do strategies hain, in situ conservation and ex situ conservation. In this video we shall discuss in detail about in situ conservation. And in situ conservation means we are conserving plants and animals in natural habitats where they are found, very simple. And ex situ conservation means we are conserving these plants and animals away from their natural habitat. जैसे आपने लायन एंड टाइगर को कहीं जोलॉजिकल पार्क में रख लिया, किसी प्लांट को कहीं बोटेनिकल गार्डन में उठा करके ले गए या आर्बोरिटम में कहीं रख दिया गया. तो इस तरह से दीज आर जोलॉजिकल पार्क, जोलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन्स, बायोलॉजिकल गार्डन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन. अब आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन पे. तो इसमें एक तो होता है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, तो उसमें आते हैं आपके सीक्रेट लैंडस्केप,
सेक्रेड ग्रोव और सेक्रेड स्पीसीज, जो ये ट्रेडिशनल मेथड हैं कंजर्वेशन के। और मॉडर्न कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में आपको ये सारे आ जाते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। अब सीक्रेट लैंडस्केप, जो ट्रेडिशनल, लेट अस डिस्कस वन बाय वन ट्रेडिशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज में सीक्रेट लैंडस्केप सबसे पहले है। तो सीक्रेट लैंडस्केप का एग्जांपल एक ये दिया हुआ है, कैलाश सीक्रेट लैंडस्केप। तो कैलाश सीक्रेट लैंडस्केप हिमालय में है, एंड कैलाश सीक्रेट लैंडस्केप इज वेरी फेमस पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिंदू हिंदूज बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवाज टेम्पल देयर। एंड एक ये चारियों गुफा भी है वहाँ पे, तो लॉट ऑफ पिलग्रिम, हिंदू पिलग्रिम्स आर गोइंग देयर एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। और इसका एरिया चाइना में भी पड़ता है, इंडिया में भी पड़ता है और नेपाल में भी पड़ता है। और इसके ये सारे सीक्रेट लैंडस्केप का एरिया बहुत लार्ज है, रफली 31,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसी में अनदर कैटेगरी है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज में, सीक्रेट ग्रोव। सीक्रेट ग्रोव बड़ा कॉमन कंसेप्ट है रूरल कम्युनिटीज में, कि लोकल देवी देवता के नाम पे, विच इज कॉल्ड लोकल डिटीज या एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स और रिचुअल्स और टैबूज। तो एक ग्रुप ऑफ ट्रीज और ए पोर्शन ऑफ ट्री एंड रिलेटेड वेजिटेशन दैट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम फैलिंग। वहाँ पे आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि पत्ता नहीं तोड़ना है और कोई फैलिंग नहीं करनी है, नुकसान नहीं पहुँचाना है पेड़ों को। तो बिकॉज द पीपल फील दैट द लोकल डेटी डाइटी इज रिजाइडिंग देयर, आपका जो लोकल देवी देवता का वहाँ पे वास होता है, इसलिए पेड़ पौधों को काटना वहाँ वर्जित रहता है। तो सीक्रेट ग्रोव का एरिया थोड़े से स्क्वायर किलो, थोड़ा सा स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत मैनी, इट मे बी स्प्रेड टू ओवर मैनी हेक्टेयर जैसो। इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जनरली हर एक स्टेट में सीक्रेट ग्रोव पाए जाते हैं, जैसे दीज आर कॉल्ड ओरंज इन राजस्थान, सारण इन छत्तीसगढ़, शरण्या इन बिहार एंड सिद्धार वनम इन कर्नाटका। तो दीज आर हाउ दीज ऑरेंज आर मैंशनड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ऑरेंज पाए जाते हैं, इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, दे आर फेमस फॉर सीक्रेट ग्रोव। जैसे ये यहाँ भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट स्लाइड में, कि थार डेजर्ट से लेकर के रेन फॉरेस्ट हॉर्न वेस्टर्न घाट के, या फिर वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर कंजर्व ट्रेडिशनली बाई ईयर मार्किंग सम ऑफ द फॉरेस्ट एरिया देयर सीक्रेट ग्रोव। तो लोकल लोग उसको ट्रेडिशनल तौर से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देन वी कम टू सीक्रेट स्पीसीज, ट्री स्पीसीज। तो देर आर इन स्पेशली इन हिंदू रिलीजन, ऑल्सो इन जैनिज्म, देर आर सम सीक्रेट ट्री स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल हेयर वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर, रेड फ्लावर आर देयर, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल ट्री दैट इज कॉल्ड सीता अशोक। सीता अशोक वही पेड़ है जिसके नीचे सीता जी अशोक वाटिका में, श्रीलंका में, वहाँ रावण की वाटिका में रहती थी ड्यूरिंग 14 ईयर्स वनवास। उसके बाद आपका ये बनियन ट्री है, बरगद जिसे कहते हैं, और पीपल है दैट इज फाइकस रिल्यूजियोसा, बनियन हो गया आपका फाइकस बेंगालेंसिस। देन बेल, एजल मार्मालोस, जिसका पत्ते शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी सीक्रेट ट्री। और एक और नॉर्थ इंडिया में कल्चर है त्रिवेणी प्लांटेशन। त्रिवेणी में तीन पेड़ आते हैं, जैसे बरगद, पीपल और नीम। बरगद मीन्स फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद रिप्रेजेंट ब्रह्मा, पीपल दैट इज फाइकस रिलीजियोसा रिप्रेजेंट विष्णु, एंड नीम रिप्रेजेंट महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को रिप्रेजेंट करती है त्रिवेणी प्लांटेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन
वेरियस प्लेसेस स्पेशली नियर टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. तो दैट इज ऑल्सो वन वन मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पीसीज और ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. अब यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, जैसे एज आई मैंशनड है तो इन ओवरऑल 106 नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया और 500 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. देन अनदर मॉडर्न कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी इन अंडर दिस कैटेगरी वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व. इन इंडिया वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें सबसे बड़ा तो है रन ऑफ का चौक गुजरात, इसके अलावा ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, नंदा देवी इन उत्तराखंड, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश, नीलगिरी इन तमिलनाडु. तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. अब ये देन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हमारा पास, हमारे गवर्नमेंट ने स्पीसी स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन प्रोग्राम भी चलाए हुए, जैसे कि टाइगर रिजर्व में हमारे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक डायरेक्टरेट है जिसको आजकल NTCA बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. वो लोग प्रोजेक्ट ये टाइगर रिजर्व को लुक आफ्टर करते हैं थ्रू आउट इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. देन वी हैव एलिफेंट रिजर्व इन डिफरेंट स्टेट्स वेयर एलिफेंट्स आर फाउंड. देन वल्चर्स, वल्चर्स में गिद्ध. देन स्नो लेपर्ड विच इज फाउंड इन हिमालय स्पेशली अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश. देन कश्मीर स्टैग विच इज फाउंड इन कश्मीर, जिसे कस्तूरी मृग भी बोलते हैं. देन बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैप, मैप मीन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. ये आपका इनकी एक प्रोग्राम है वर्ल्ड लेवल पे, जिसके तहत ये बायोस्फीयर रिजर्व दे आर मेंटेन्ड एट ग्लोबल लेवल. वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR हैज 727 साइट्स एज ऑन डेट इन 131 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि ग्लोबल नेटवर्क पे अगर देखें तो 727 साइट्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, विच आर स्प्रेड ओवर 131 कंट्री. तो ये जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये 1971 में स्टार्ट हुआ था. और दीज बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो कवर अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड एरिया. और इसमें से कुछ तो 21 है ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व. ट्रांस बाउंड्री मीन्स जिनकी बाउंड्री दो देशों के बीच या तीन देशों में मिलती है. और दो बायोस्फीयर रिजर्व आपके ट्रांस कंटिनेंटल भी हैं, यानी कि विच आर स्प्रेड ओवर यूरोप एंड एशिया. तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर का एरिया है वो ब्राज़ील में है, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और कोस्टा रिका की अगर बात करें तो कोस्टा रिका विच इज ए कंट्री वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन सदरन अमेरिका, साउथ अमेरिका. दिस कंट्री हैज गॉट 52% ऑफ द एरिया अंडर बायोस्फीयर रिजर्व. छोटा सा कंट्री है कोस्टा रिका, इसका एरिया आपका अपने उत्तराखंड से भी थोड़े कम है, और लेकिन बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है. और यूनाइटेड स्टेट से तो बहुत नेचर लवर वहाँ जाते रहते हैं टू एंजॉय नेचर. और स्पेन हैज गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, 52 साइट्स हैं. जैसे इंडिया में 18 हैं बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेन में हाईएस्ट 52 हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो. अब इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व पे आते हैं. तो जैसा कि आई मेंशनड अर्लियर, 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर और 18 में से 12 जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम, जिनको यूनेस्को से भी मदद मिलती है, फाइनेंशियल एड मिलती रहती है फॉर मेंटेनेंस पर्पस. सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ किसके लिए फेमस है? वाइल्ड एश के लिए. और भी बहुत से जानवर हैं लेकिन बेसिकली वाइल्ड एश के लिए ये बहुत फेमस है.
मोर देन 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और सबसे पहले जो बायोस्फीयर बना था वो नीलगिरी, जो कि विच इज स्प्रेड ओवर इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका। दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1986। बायोस्फीयर रिजर्व का मैनेजमेंट कैसे होता है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है फॉर मैनेजमेंट पर्पज। ये देखिए इस स्लाइड में दिखाया गया है। द इनर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड कोर एरिया, जो हरे रंग का एरिया है दैट इज कॉल्ड कोर एरिया। तो कोर एरिया में सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज अलाउड है और आपका कोई अलाउड नहीं है। उससे बाहर जो नीले रंग का है, डार्क नीले रंग का, वो है बफर एरिया और बफर जोन। और उससे बाहर जो लाइट ब्लू कलर का एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एरिया। तो आपका जो इनर मोस्ट जोन है कोर एरिया, वहाँ पे ओनली रिसर्च एक्टिविटीज आर अलाउड एंड नो अदर डिस्टर्बेंस इज अलाउड टू फ्लोरा एंड फाउना। बफर जोन में सम लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज आर अलाउड। आउटर मोस्ट जोन में आपके सम नॉन डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व आर अलाउड, जैसे कि आप खेती करेंगे तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज इज प्रोहिबिटेड। आप उसमें गाय का गोबर की खाद डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे। अदरवाइज यू आर इट विल गो टू द वाटर विल रन ऑफ विल गो टू द वाटर बॉडीज। इस तरह से उसको अवॉइड करने के लिए तो नेचर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचर फार्मिंग इज अलाउड। तो लाइक दैट दीज आर कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी। ये देखिए ये जो आपके चार पशु नज़र आ रहे हैं, ये हमारे देश की शान है। जो हमारे आवर कंट्री इज वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। और दिस पिक्चर शो सम ग्लिम्प्स ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ। दिस वन हॉर्न राइनो टॉप कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं, वन हॉर्न राइनो विच इज फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क और एंड मानस नेशनल पार्क ऑफ आसाम, देन रॉयल बंगाल टाइगर। 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एज फार एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज कंसर्न। 70% वर्ल्ड के टाइगर हमारे यहाँ निवास करते हैं और उसकी स्पीसीज को कहा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। तो दीज टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन ऑल ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपके टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है डम्पा, आपका अरुणाचल प्रदेश में है नामदाफा एंड पाके, सुदूर पश्चिम में आ जाइए रणथंबोर एंड सरिस्का इन राजस्थान, सेंटर में सतपुड़ा कान्हा पेंच, दे आर वेरी वेरी फेमस टाइगर रिजर्व। सबसे नीचे आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। तो लाइक दैट। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर में एशियाटिक लॉन, जो कि गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लॉन एंड टाइगर्स दे आर फाउंड इन नेचुरल कंडीशन। और किसी देश में आपको एशियाटिक लॉन और टाइगर नेचुरल हैबिटेट में घूमते नज़र नहीं आएंगे। और लास्ट फोटो है आपकी ये ब्लैक बक। ब्लैक बक विच इज वेरी कॉमनली अवेलेबल इन, सबसे ज़्यादा तो ये राजस्थान में होता है, वही राजस्थान जहाँ 1999 में सलमान खान एक्टर ने इनकी इसका शिकार किया था और अभी तक वो केस शायद चल ही रहा है। वो पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे हम साथ साथ हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो दिस पाके टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये हेवन फॉर हॉर्नबिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
सारी इंडिया में हमारे 9 किस्म की हॉर्नबिल पाई जाती हैं। उस 9 में से 4 जो हैं अरुणाचल प्रदेश के पाके टाइगर रिजर्व में है, ग्रेट हॉर्नबिल, रिथेड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल एंड रूफोस नेकेड हॉर्नबिल। तो इट इज ऑल दीज हॉर्नबिल्स आर वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर, इन लुकिंग। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेल है, और मेल हॉर्नबिल है जो आप पिक्चर में नज़र आ रहा है, और ये कर्नीवोर भी है, हर्बीवोर भी है, ये ओमनीवोर वोरस बर्ड है, यानी कि ये फल और सब्जी बीज भी खाता है और छोटे छोटे प्राणियों को भी खाता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है। ये है मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये आपके पाई जाती है वेस्टर्न घाट। लाइन टेल्ड मैकॉक, अनदर एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, तो वेरी फेमस इन इंडिया। ये आपके प्रीमेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। गोल्डन लंगूर पाया जाता है मणिपुर आसाम में, और ये है हुलोक गिबन आसाम में, और इधर मणिपुर में अरुणाचल प्रदेश में बहुत कॉमन है, बहुत बढ़िया। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करता हुआ चलता है, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, और आवाज़ इसकी बहुत अच्छी आवाज़ निकालता है ये हुलुक की बस। तो अब प्रश्न आता है कि भाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व प्रिजर्व क्यों की जाए, क्यों? तो क्या इस प्लेनेट पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग का रहने का अधिकार है, या कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ? वैसे तो भगवान ने सबको बनाया है, तो प्लेनेट सब सबका ही है। तो बिकॉज वाइल्ड लाइफ, एवरी काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, बर्ड्स हो, या एम्फीबियंस हो, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सबका अपना अपना रोल है। दूसरा, दीज वाइल्ड लाइफ एरियाज दे स्टेबलाइज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्योंकि आपकी जो ऐसी नदियां हैं स्पेशली सेंट्रल इंडिया की और साउथ इंडिया की, फॉर एग्जांपल आपकी जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इस तरह से जो रिवर्स में पानी तभी तक रहता है जब तक वो फॉरेस्टेड एरिया वाटर शेड में से आते, फॉरेस्ट चले गए तो ये पानी भी चला जाएगा, नदियाँ भी चली जाएंगी। तो दीज हैव रोल इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देन वाइल्ड लाइफ एरियाज मॉडरेट क्लाइमेट इन सराउंडिंग एरिया, स्पेशली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, टेम्परेचर को कम करने में काम सहायक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्लाइमेटिक टेम्परेचर। देन वाइल्ड एरियाज प्रोटेक्ट अवर जेनेटिक रिसोर्सेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी हम ये अनाज खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्रैम, राइस, जितने भी हम ये खा रहे हैं, दीज आर ऑल रिफाइंड वेराइटीज। इनके जो फोर फादर्स हैं, ओरिजिनल वेराइटीज हैं, दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट, एंड दीज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स दे आर कॉर्नर स्टोन ऑफ दीज रिसोर्स, जेनेटिक रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी। अगर ये तबाह हो जाएंगे तो आपके ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वीट, राइस, ये सब भी आपके चले जाएंगे। तो ये आपका एक किस्म से जर्म प्लाज्म बैंक है फॉर दीज जेनेटिक रिसोर्स। देन दीज एरियाज प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, कितने आपके लाखों टूरिस्ट, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट दी टाइगर रिजर्व एरिया, नेशनल पार्क एवरी ईयर। टूरिज्म फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इको टूरिज्म फैसिलिटीज, और आपके आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको लोकल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। देन दीज एरियाज हेल्प इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वेरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ जंगल होंगे वहाँ नेचुरली वाटर विल बी अवेलेबल इन स्ट्रीम एंड सॉइल विल बी कंजर्व। देन वाइल्ड लाइफ प्रमोट टूरिज्म, स्पेशली इको टूरिज्म, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड, लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर टू
टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाई प्रोटेक्टिव एरिया, देन स्कोप फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं वाइल्ड लाइफ पे, बहुत आस्पेक्ट्स हैं जिस पे रिसर्च अभी होनी है वो। एंड फाइनली दीज आर पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, ये जो टाइगर्स हैं लॉन हैं ये दीज आर पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, इन्हीं को देखने, इस हेरिटेज को देखने विदेशों से लोग हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, और इनका सिग्निफिकेंट प्लेस है हमारे रिलीजन में भी। जैसे माता तो टाइगर की सवारी करती है, जिसको देवी को दिखाया जाता है दुर्गा को टाइगर की सवारी करते हुए, तो ये हमारे रिलीजन का भी एक बड़ा हिस्सा है। देन वी कम नाउ वी कम टू सम माइल स्टोन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सो फार इन इंडिया एज फार एज अवर कंट्रीज कल्चर। तो कौन कौन से साल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, जैसे कि सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंट्रल लेवल में ये बना, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में आया, फिर 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ, और फिर 1977 में ये जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का जो टॉपिक था ये पहले स्टेट लिस्ट में आता था, तो इसको फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है वेयर बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर दे कैन फॉर्म एक्ट, दे कैन पास एक्ट, दे कैन फॉर्म लॉ इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल इन सच केसेस। देन प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1975, 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ, और बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो इंडिया ने टाइम टू टाइम पे सिग्ने साइन की हैं, जैसे CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके अलावा UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी तरह एक डेजर्ट्स को रोकने के लिए भी एक कन्वेंशन है, तो इस तरह की कई कन्वेंशन हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को रोकने की भी कन्वेंशन है, आपका एक रामसर कन्वेंशन भी है वेटलैंड्स के लिए, तो इन सब कन्वेंशन का भी इंडिया ने, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरीज एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो नाउ ये सब इस प्रोटेक्टेड एरियाज में, स्पेशली इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दिस ट्री फेलिंग इज नॉट इज टोटली बैंड, स्पेशली इन कोर एरियाज, और एक दीज मैनेजमेंट प्लान आर देयर फॉर दीज वाइल्ड लाइफ एरियाज विच आर अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू दीज मैनेजमेंट प्लान वेरियस स्टेप्स आर टेकन फॉर कंजर्विंग एंड प्रोटेक्शन एंड फर्दर एनहांसमेंट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दीज एरिया। इन दिस स्लाइड ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग जिनकी कंट्रीब्यूशन रहा है इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल कान्हा टाइगर रिजर्व है, ट्वेन टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, तो दे ड्रॉ थाउजेंड ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, फॉर एजुकेटिंग पब्लिक, फॉर रिक्रिएशनल पर्पज एंड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस सॉरी, और दिस प्रोटेक्टेड एरिया दे आर एज आई मेंशन्ड दे आर कॉर्नर स्टोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, विच इज नेचुरली इन प्रोटेक्टेड एरियाज बायोडाइवर्सिटी विल बी रिच, दैट इज द मेन रीजन ऑफ फ्रेमिंग प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि 5% एरिया है हमारे देश में,
तो वहाँ ये सारी इको सिस्टम सर्विसेज भी बहुत बढ़िया होंगी। तो वी कैन से दिस दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द बेसिस और इंजन फॉर डिफरेंट फॉर जेनरेटिंग दीज काइंड ऑफ इको सिस्टम सर्विसेज। यानी कि अगर आपका ये एक किस्म से इंजन का काम करता है बायोडाइवर्सिटी, या एक बेसिस फाउंडेशन का काम करता है फॉर जेनरेटिंग इको सिस्टम सर्विसेज। इको सिस्टम सर्विसेज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चार कैटेगरीज हैं: प्रोविजनिंग काइंड, रेगुलेटिंग काइंड, सपोर्टिंग काइंड ऑफ इको सिस्टम सर्विसेज एंड कल्चरल काइंड ऑफ इको सिस्टम सर्विस। वही सब इसमें स्लाइड में आपके मेंशन किए हैं। तो विद दिस वी कम टू एंड फॉर टुडेज वीडियो। एनी क्वेरी मोस्ट वेलकम एट माय ईमेल आईडी। तो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।